श्री गणेश, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आज का ये प्रेडिक्शन है बुध ग्रह के बारे में। सबसे छोटा ग्रह लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला ग्रह। हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी खुशियां हैं, जितने भी संकट हैं, ये सब हमारी बुद्धि के कारण है। बुद्धि तत्व के कारक ग्रह बुध ग्रह का ये प्रेडिक्शन बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आपके जेब में जो पैसा है, आपके बैंक में जो बैलेंस है, या जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब को कमांड करने वाले ग्रह, जैसे मुट्ठी में पकड़ते हैं ऐसे कमांड करते हैं, ऐसे कमांड करने वाले ग्रह जो है ये बुध है, जिसका रंग हरा है। इसलिए बुध के प्रेडिक्शन में ये ग्रीन पेन का यूज़ किया है। तो बुध ग्रह का जो ट्रांजिट है, बैंकिंग, कॉमर्स, कंसल्टिंग, न्यूज़पेपर्स, मार्केटिंग्स, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, ये अच्छे बुध की वजह से हैं। बुध का तालमेल लाइफ में चंद्र के साथ कुंडली के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो इंसान है वो फास्ट प्रोग्रेस कर सकता है। अन्यथा जो बुध से चंद्र विपत है, प्रत्यरी है तारा चक्र में, तो फिर गड़बड़ है। तो बुद्धि तत्व को कमांड करने वाले ग्रह बुध ग्रह रेवती नक्षत्र में हम सबको कैसा फल देंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन इसलिए है कि 2024 के अंदर बुध ग्रह जो है ये रेवती नक्षत्र में एक साथ चलेंगे मार्च से 25 मार्च। उसके बाद एक हफ्ते का पीरियड हो गया 16 से 25 मार्च, अप्रोक्सीमेटली 9 दिन बोल सकते हैं। और उसके बाद 9 अप्रैल से 10 में, तो एक महीना और एक दिन अप्रैल टू मई, पहले 9 दिन और उसके बाद अश्विनी में जाएंगे रेवती को क्रॉस करके, फिर वक्री होकर वापस आएंगे अप्रैल के अंदर 9 अप्रैल को, और 10 मई तक ये चलेंगे रेवती में। अब जो रिट्रोगेट ट्रांजिट होगा बुध का, ये ट्रांजिट तमाम प्रकार के मार्केट को इफेक्ट करने वाला है। मार्केट बोले तो शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं, इसके अलावा जितने भी होलसेल मार्केट हैं, ट्रेडिंग मार्केट है, रिटेल मार्केट, इवन दो रिटेल आउटलेट वाले जो पर्सन हैं, ये भी काफ़ी मंदी का इफेक्ट महसूस करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है इसको बुध स्लो डाउन करेंगे। रिट्रोगेट मर्क्यूरी इज इक्वल टू स्लो डाउन इकोनॉमी, तो ये इसका इफेक्ट नॉट ओनली इन इंडिया, बट इसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रह खाली इंडिया के अंदर इफेक्ट करते हैं, ये ग्रह ऊपर से इफेक्ट करते हैं, आकाश में से पृथ्वी के ऊपर सभी जगह पे इसका इफेक्ट होता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हम कौन से लोकेशन में हैं तो कौन से प्रकार का इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, वो बहुत डिफरेंट बात है, वो बहुत डिटेल प्रेडिक्शन हो जाएगा। लेकिन बुध का वक्री होना, वो कहाँ से वक्री होते हैं और कहाँ तक वक्री है, जिसके अंदर मार्केट्स, तमाम मार्केट्स को ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा स्लो डाउन का, तो वो इस प्रकार हैं। बुध 8 अप्रैल से जो है वो मार्गी होने वाले हैं, लेकिन जो वक्री होंगे 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, फिर 8 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, और फिर
9 अप्रैल को वक्री होंगे जब रेवती में जलेंगे, उससे पहले ही शायद वक्री होकर ही चलेंगे, तो वक्री उसी दिन से होते हैं, तो 9 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बुध जो हैं ये वक्री रहने वाले हैं। तो अप्रैल का पूरा मंथ आप समझ लो, पहला हफ्ता छोड़कर 9 to 25, दो हफ्ता जो अप्रोक्सीमेटली बीच वाला मिडिल वाला जो दो हफ्ता है 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, ये तमाम मार्केट को स्लो डाउन करने वाले हैं। तो उसमें जो बुध है ये रेवती नक्षत्र में होंगे, रेवती नक्षत्र का भी कमांड है जो इसके ऊपर है, बुध बुध का खुद का नक्षत्र है, तो मार्केट तो ऑलरेडी इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इवन दो बहुत से लोग कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ करेंगे, कौन गड़बड़ करेगा, जिसका भी नक्षत्र मंगल का है या विपद नक्षत्र में जिसके लिए हैं, गुरु के नक्षत्र वाले जातक हैं, गुरु के तीन नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, ये लोग कम्युनिकेशन में गड़बड़ करेंगे। मंगल वाले के लिए बुध प्रत्यारी नक्षत्र में चलेंगे, तो मंगल वाले भी जिनका भी जन्म है मृगशिरा, धनिष्ठा, चित्रा, ये जातक भी कम्युनिकेशन में गड़बड़ करेंगे। इसके अलावा जो गुरु के जिनके लिए सिंह योनि वाले ना जातक है धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद, ये जातकों को सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि धनिष्ठा के लिए प्रत्यारी भी हैं और शत्रु योनि भी हैं। ऐसे पूर्व भाद्रपद के लिए भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि विपद भी हैं और शत्रु योनि भी हैं, तो योनि का जो है वो ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। तो इस समय के अंदर क्या करना है कि धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद वाले जातकों को लड़ाई झगड़ा टंटा फिसाद में पड़ने से बचना है, अन्यथा आने वाले समय में आपका जो संकट है वो बड़ा हो सकता है। फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बोलना पड़ता है, यदि आप चुप रहते हैं तो आपको डरपोक समझ लिया जाता है, तो एक्शन तो लेना ज़रूरी है लेकिन लिमिट के अंदर एक्शन लें, क्योंकि जो धनिष्ठा और धनिष्ठा का शेर है, शेर मतलब लायन, वो बहुत एग्रेसिव है, अटैकिंग है, जबकि पूर्व भाद्रपद का जो शेर है लायन है ये थोड़ा सोच समझ के शांति से काम करने वाला है, लेकिन उसमें भी एग्रेसिवनेस तो है, क्योंकि लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, तो शेर को जो है टेढ़ी मेढ़ी कोई भी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो कोई भी उनके आसपास में सराउंडिंग में ऐसा कोई व्यवहार वर्तन करेंगे तो डेफिनेटली उनको मार तो पड़ेगी, उनको डैमेज तो होगा ही होगा, क्योंकि शेर को जो गुस्सा आ जाता है तो फिर तो जंगल के सब प्राणी आपको मालूम है कि वो त्रुजते हैं। तो बुध इन रेवती हाउ इज फॉर एवरीवन, नक्षत्र में प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए कैसा फल देंगे। तनिष्ठ जो बुध रेवती में है इसका योनि गज योनि है, गज माने हाथी, हाथी के नक्षत्र में हाथी की योनि के ऊपर सवार ये बुध, जिसको जिसके लिए भी पैसा देने वाले हैं, संपत्ति देने वाले हैं, इनको तो माला माल करने वाले, भले वक्री रहे तो भी पैसा उनको मिलेगा, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो किसके लिए क्या फल है जानते हैं विस्तार से। और रेवती नक्षत्र जो है ये मीन राशि के अंदर आने वाला जल तत्व की राशि का ये नक्षत्र है, जल तत्व की राशि का ये नक्षत्र है, और 27 नक्षत्र जिसे आप सब जानते हैं इसमें लास्ट पार्ट ऑफ नक्षत्र छेला नक्षत्र लास्ट नक्षत्र इज रेवती, जिसकी योनि गज योनि है, गज बोले तो हाथी, इंग्लिश में इसको एलिफेंट बोलते हैं, और गण इसका देव है, आराम प्रिय है, खाने का बहुत पसंद है, गज को तो बिल्कुल पसंद है। और प्रत्येक राशि के लिए जानते हैं विस्तार से, इस प्रिडिक्शन को आप अपने सूर्य राशि सूर्य नक्षत्र से भी चेक करें। बहुत से जो हमारे
एस्ट्रोलॉजर्स हैं इंडिया के अंदर, या एस्ट्रोलॉजी जो भी करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, या जो कोई भी देखते हैं, जनरली दे आर वॉचिंग देयर हॉरोस्कोप फ्रॉम चंद्र राशि। गोचर ट्रांजिट के अंदर आप अपनी चंद्र राशि को इम्प्लीमेंट करके चेक करते हो, सही बात है, लेकिन 100% इफेक्ट इसका आपको नहीं मिलेगा। 100% इसका आपको इफेक्ट मिलेगा सूर्य राशि और सूर्य नक्षत्र से। कैसे कि आपका जन्म का जो सूर्य है इसको आप लगन बना लें, वो जन्म का जो सूर्य है इसको आप जन्म बना दें, जन्म संपत्ति पर जो तारा चक्र देखते हैं तो जन्म का सूर्य है इसको जन्म बना दें। उसके बाद जो तारा चक्र में नक्षत्र आते हैं ऐसे लाइन से आप लिख लें। इस प्रेडिक्शन को डिटेल में जानने के लिए आपको तारा चक्र का समझ होना बहुत जरूरी है, और अदरवाइज आप नए हैं इस प्रेडिक्शन के लिए तो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये प्रेडिक्शन देखते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे समझ आती जाएगी कि ना नरेश खत्री जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं और बहुत परफेक्ट इफेक्ट इसका आ रहा है। तो मैं अपना खुद प्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई है नहीं तो मेरे को अपना जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि के लिए बुध का फल क्या होगा? तो बुध जो है ये आपके लिए 12वें स्थान के अंदर हैं, 12वें स्थान में और 8वें स्थान में बुध का फल शुभ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 12वें स्थान में जब बुध होते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है, तो ऐसी परिस्थिति में लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आप सबको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। नक्षत्र फल देखें तो अश्विनी के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, भरणी के लिए मित्र नक्षत्र है, लेकिन कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म है मेष राशि में, कृतिका का प्रथम चरण जो है वो मेष राशि के अंदर है, तो आपके लिए जो बुध है ये वध नक्षत्र में है, तो वध तारा जो है ये शुभ परिणाम शुभ फल देने वाला नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा कि फाइनेंस के रिगार्डिंग यदि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको लेने का आता है तो आप सबको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा आने वाले समय में आप भारी फाइनेंशियल संकट में जा सकते हैं। दो नंबर यानी कि टॉरस, वृष राशि के लिए बुध 11वें स्थान के अंदर है, 11वें स्थान में बुध का फल बहुत शुभ है, महाधनवान योग कारक है, बिजनेस कारोबार को जबरदस्त अपलिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी रेड सिग्नल है वृषभ कृतिका के लिए। वृषभ कृतिका के लिए इसका फल शुभ नहीं होगा। वृषभ रोहिणी के लिए साधका नक्षत्र है तो एक्सीलेंट फल रहेगा। वृषभ रोहिणी में जिनका जन्म का सूर्य है चंद्र है दोनों, या तो जिनका भी जन्म का वृषभ लग्न है रोहिणी नक्षत्र का, ये जातक सब ग्रैंड सक्सेस जोन में रहेंगे। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपके पास इतने क्लाइंट्स आ जाते हैं, दुकान में इतनी ग्राहकी आ जाती है कि आपको खाने का टाइम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा समय होता है कि आप खाली बैठे होते हैं और कोई कस्टमर या क्लाइंट आपके पास नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब बुध ग्रह की ट्रांजिट से कनेक्टेड है। तो रोहिणी वाले सक्सेस जोन में जाने वाले हैं, काम आपका जबरदस्त बढ़ने वाला है। वृषभ वृक्षिरा के लिए प्रत्यारि नक्षत्र होगा तो ओपोजिशन होगा, कहाँ से होगा? मित्रों के साथ होगा या संतानों के साथ होगा। मिथुन राशि के लिए बात करें तो बुध का जो ट्रांजिट है आपके 10वें स्थान के अंदर है, 10th हाउस में बुध महाधनवान योग करते हैं, एक्सीलेंट फल रहेगा बिजनेस कारोबार को अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन रिलेशनशिप में आपको अपने फादर के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ भारी प्रॉब्लम आ सकती है। यू शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन, अन्यथा लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हो सकता है। मिथुन वृक्षिरा के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। मिथुन आद्रा के लिए एक सेम तारा है तो ठीक है, लेकिन मिथुन पुनर्वसु के लिए वंस अगेन इज नॉट गुड। रिलेशन एंड कम्युनिकेशन
पर्टिकुलरली विद फादर मदर और जॉब में अपर लेवल, ये सबके साथ केयर करना है। जिनका भी जन्म का सूर्य पुनर्वसु में है ये जातकों को भी सबसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। कर पुनर्वसु के लिए बुध भाग्य स्थान में है, गड़बड़ करेंगे अपने नेबर्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन। कर्क पुष्य के लिए संपत्ति नक्षत्र है, एक्सीलेंट फल रहेगा। और कर्क आश्लेषा के लिए जन्म नक्षत्र है, जन्म तारा हमेशा शुभ फल देता है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। सिंह राशि के लिए बुध का फल क्या होगा, बुध अष्टम स्थान में चल रहे हैं और 9th अप्रैल से 10th मई तक बुध आठवें स्थान में वंस अगेन चलेंगे, जिसके इम्पैक्ट में भारी पारिवारिक समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। फाइनेंस के रिगार्डिंग जितना भी डिसीजन आपको लेने का आता है, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में आप सबको नहीं लेना है। तो कर्क सॉरी सिंह राशि के लिए मघा के लिए अति मित्र नक्षत्र होगा बुध का रेवती, पूर्व फाल्गुनी के लिए मित्र होगा, लेकिन सिंह उत्तर फाल्गुनी के लिए सबसे ज़्यादा भारी फाइनेंशियल लॉसेस करने वाला ट्रांजिट होगा, क्योंकि आठवें स्थान में बुध आपके वध नक्षत्र में है। कन्या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या जन्मे हुए जातकों के लिए बुध सप्तम स्थान के अंदर, दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर, पार्टनरशिप के स्थान के अंदर आपके लिए वध नक्षत्र में है, तो सबको पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में केयर करना है। इसके साथ साथ जो भी कन्या राशि वाले जातक हैं, जिनका जन्म का लग्न कन्या है, सूर्य कन्या है या चंद्र कन्या है और उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य चंद्र या लग्न है, ऐसे जातकों को पब्लिक लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन में, बयानबाजी में, वक्तव्य में बहुत केयरफुल रहना होगा, अन्यथा भारी कंट्रोवर्सी का शिकार आपको होना पड़ सकता है। कन्या चित्रा के लिए इसका फल क्या होगा, इसका भी रिलेशन ठीक नहीं है मंगल के साथ बुध का, तो भारी ऑपोजिशन पब्लिक लाइफ में आपकी भी हो सकती है। तुला चित्रा के लिए भी इसका फल ठीक नहीं होगा, सिक्स हाउस के अंदर बुध प्रत्यारी नक्षत्र में होने के कारण आपका मैटरनल साइड के साथ आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है, साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण के साथ भी आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है, तो शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। तुला स्वाति के लिए एक सेम तारा है तो ठीक है, लेकिन वंस अगेन तुला विशाखा के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा, क्योंकि विपत नक्षत्र में जाने वाले बुध आपके लिए भी भारी कम्युनिकेशन गड़बड़ करवा सकते हैं मैटरनल साइड के साथ या साथ में काम करने वाले लोगों के साथ। वृश्चिक विशाखा के लिए बुध पंचम स्थान में है, विपत नक्षत्र में है, तो बड़ा लाभ करने के चक्कर में बड़ा लॉस ना हो जाए उसका केयर करना होगा। जबकि वृश्चिक अनुराधा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपकी कैलकुलेशन सही रहेगी, मित्रों से लाभ रहेगा, संतान रिलेटेड आपके कार्य बनेंगे। वृश्चिक ज्येष्ठा के लिए भी जन्म नक्षत्र है तो आपके लिए भी ठीक है, सुपर फल देने वाले हैं। धनु राशि के लिए बुध सुख स्थान में चौथे स्थान के अंदर है, आपके चौथे स्थान में भी बुध महाधनवान योग करते हैं, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपके कार्य बनेंगे, नया मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि कुछ लेना बेचना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो इसमें सक्सेस रहेगा। और मूला के लिए अति मित्र नक्षत्र होगा, पूर्व षाढ़ा के लिए मित्र होगा, लेकिन उत्तराषाढ़ा के लिए इसका ट्रांजिट ठीक नहीं है, तो आपको मकान वाहन प्रॉपर्टी जल्दबाजी में लेना बेचना नहीं है। और इसके साथ साथ रिलेशन में अपने मदर के साथ, फादर के साथ और विवाहित जातकों को अपने इन लॉज के साथ कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तो मकर उत्तराषाढ़ा के लिए फल क्या होगा, अपने भाई बहन और नेबर्स के साथ कम्युनिकेशन में केयर करना है। मकर श्रवणा के लिए साधक नक्षत्र हैं, ग्रैंड सक्सेस जोन है न्यू वेंचर करने के लिए। और मकर धनिष्ठा के लिए प्रत्यारी हैं तो आपके भाई बहन के साथ, आपके नेबर्स के साथ आपका भारी ओपोजिशन हो सकता है। कुंभ धनिष्ठा के लिए धन भाव के अंदर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका भारी ओपोजिशन होने वाला है, तो शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। और कुंभ शरद दिशा के लिए एक सेम तारा है, ठीक है,
कुंभ पूर्व भद्रपद के लिए वंस अगेन ये पारिवारिक सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन के कारण भारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की संभावना रखने वाला ये नक्षत्र है। समय रहेगा जो 16 से 25 और 9 अप्रैल से 10 मई। कुंभ पूर्व भद्रपद को और कुंभ धनिष्ठा दोनों को वाणी व्यवहार और वर्तन में केयर करना है, अन्यथा भारी पारिवारिक समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मीन पूर्व भद्रपद के लिए आपकी राशि के अंदर ही जो इसका ट्रांजिट रहेगा, कम्युनिकेशन में बहुत गड़बड़ हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ आपके जो डिस्टर्बेंस हैं वो आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, तो शुड नॉट टेक एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ इंस्टेंटली और हैफेजार्डली। मीन उत्तर भद्रपद के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपकी आइडियोलॉजी इम्प्रूव होगी, आपकी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक्सीलेंट फल मिलेगा। मीन रेवती के लिए भी इसका फल शुभ रहेगा क्योंकि जन्म तारा हमेशा शुभ फल देता है। तो इस नक्षत्र रेवती की शांति के लिए क्या करना है, फीडिंग टू एलिफेंट। अब एलिफेंट आपके आसपास में नहीं है तो क्या करेंगे, तो गाय को हरा वाला मूंग सफ़ेद तिल और गुड़ मिक्स करके आप खिला सकते हैं। बुध ग्रह के लिए आप वेदोक्त मंत्र है ओम ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिम बुधम सौम्यम सौम्यम गुणोपेतम तम बुधम प्रणाम्यहम ऐसा मंत्र कर सकते हैं, अन्यथा एक कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक ग्रीन कलर का पेन जो है इसको आप पॉकेट में रख लें, पॉकेट नहीं है तो ऐसे भी उसको आप लगा सकते हैं बुध का ट्रांजिट को सेटल करने के लिए। खाने में भी हरा वाला मूंग का प्रयोग कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है जिनके लिए भी ये विपद है, शत्रु योनि में है, ऐसे जातकों को कम्युनिकेशन में बहुत केयरफुल रहना है, अन्यथा आने वाले समय में आप भारी संकट में पड़ सकते हैं। इस प्रेडिक्शन को आपको अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।